सर आवाज नहीं आ रही। हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग आई वुड लाइक टू रिपीट जो अभी मैंने किया था, आगे गए नहीं थे हम। टुडेज टॉपिक इज दोज इंफ्लेमेटरी डर्मेटोसिस इन विच द प्राइमरी पैथोलॉजी इज अ प्रेजेंस ऑफ पेरीवैस्कुलर लिम्फोसिटिक और इंफ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। ये वो डर्मेटोसिस हैं जो उन सिक्स डर्मेटोसिस में लाए नहीं करेंगे जो जिनको हम मेजर रिएक्शन पैटर्न कहते हैं, जिनके अंदर लाइकिनॉइड या इंटरफेस शामिल है, जिनके अंदर सोरेसिफॉर्म डर्मेटोसिस शामिल हैं, जिनके अंदर स्पॉन्जियोटिक, वेसिकुलस, ग्रैनुलोमेटस और वेस्कुलोपैथिक। ये जो छह डिफरेंट कैटेगरीज के डर्मेटोसिस हैं वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं। तो इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कैटेगरी उन डर्मेटोसिस से कंप्राइज करती है कि जिनके अंदर इनमें से कोई चेंज नहीं है जो हम मैंने इन छह डर्मेटोसिस में बताई। इसके अलावा जो मेन चेंज है वो एक पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। तो वो कौन से डर्मेटोसिस हैं जिनके अंदर ये पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट पाया जाता है? उसमें पैरासोरेसिस शामिल है, उस इरिथीमा एनुलर और इरिथीमा एनुलर के सारे वेरियंट शामिल हैं, उसके अंदर ट्यूमर लुपस एरिथेमेटोसिस शामिल है, इंसेक्ट बाइट रिएक्शन शामिल है, रेटिकुलेट इरिथीमेटस म्यूसिनोसिस, जेस्टनस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन, अर्ली फेज ऑफ मॉर्फिया, परनियोसिस और चिल्ब्रेंस, देन पिगमेंटेड पर्पुरिक डर्मेटोसिस और लाइकन ऑरियस पप और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन थ्रू राइगो ऑफ प्रेगनेंसी एंड अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस। तो आप इस टेबल में देखेंगे कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज विच आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। ये रुक में आपको डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर ये डिजीजेज आएंगी, लेकिन यहाँ पे इनकी सबकी मौजूदगी एक ये कॉमन फाइंडिंग है इन सब में कि इनके अंदर एक पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मौजूद। तो जब आपने ऐसी डिजीज देखी कि जिसके अंदर पेरीवेस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मौजूद है, तब आपने अपने आप से ये चंद सवालात करने इन ऑर्डर टू मेक द फाइनल डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर वन, इज द इन्फिल्ट्रेट ओनली लिम्फोसिटिक? क्या लिम्फोसाइट्स के अलावा कोई और सेल्स हैं, लाइक हिस्टोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स? इज द इन्फिल्ट्रेट ओनली पेरीवेस्कुलर, यानी कि क्या इन्फिल्ट्रेट सिर्फ वेसल्स के गिर्द है या एडिनेक्सा के गिर्द? क्या हेयर फॉलिकल और स्वेट कॉइल्स के गिर्द भी इन्फिल्ट्रेट है कि नहीं है? नंबर थ्री, जो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट है, क्या वो लिम्फोसाइट्स एटिपिकल हैं या वो नॉर्मल साइज के लिम्फोसाइट्स? ये जाहिर करेगा कि ये इन्फिल्ट्रेट टी या बी सेल लिम्फोमा तो नहीं। और नंबर फोर, इज देयर एनी चेंज इन एपिडर्मस? बेशक वो कितनी ही सटल क्यों ना, अगर थोड़ी बहुत भी चेंज है दैट इज सिग्निफिकेंट। नंबर फाइव, इज देयर एनी चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यू? अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि बाज दफा कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जैसे मॉर्फिया, उसमें कनेक्टिव टिश्यू डेंस हो जाता है, तो हमने ये भी देखना है कि वेदर पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेट तो है तो क्या कनेक्टिव टिश्यू ठीक है, क्या कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स के दरमियान म्यूसिन तो नहीं है, मतलब इस किस्म की चीज़ें हमने गौर करनी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इज देयर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लिनिकल फाइंडिंग? और ये वाले जो डिसऑर्डर्स हैं इनमें थोड़ी बहुत क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन का रोल ज़रूर है। तमाम इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस में क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट विद एटलीस्ट टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डू वी रिक्वायर एनी स्पेशल स्टेन और सम एडिशनल इन्वेस्टिगेशन टू रीच टू अर डायग्नोसिस? सो दीज आर द सेवन क्वेश्चंस विच वी वुड लाइक टू आस्क आर सेल्व एंड वुड लाइक टू आंसर बिफोर मेकिंग द फाइनल डायग्नोसिस। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम पैरासोरेसिस, आपको मालूम है पैरासोरेसिस डिजिटेड डर्मेटोसिस भी कहलाता है। उसमें तो बेसिकली जो फाइंडिंग होती है वो ये कि डिजिटेड शेप के फिंगर की शेप्स की स्केली इरिथीमेटस पैचेस आ जाते हैं एंड प्लाक विद वेरी फाइन सिगरेट पेपर स्केलिंग। ये मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे फिंगर टाइप डिजिटेड डर्मेटोसिस। ये डिजिटेड डर्मेटोसिस के डिफरेंशियल में भी आ सकता है, ये सुपरफिशियल क्रॉनिक डर्मेटाइटिस या स्मॉल प्लाक पैरासोरेसिस। हिस्टोलॉजी, इसकी तीन फीचर्स हैं इसकी हिस्टोलॉजी। क्योंकि इसके अंदर फाइन स्केलिंग है
तो वी वुड बी एक्सपेक्टिंग अ पैराकेराटोसिस, लेकिन ये पैराकेराटोसिस विदाउट मनरो एब्सिस होगा, क्योंकि सिर्फ स्केलिंग है, सोरायसिस तो है नहीं। अगर मनरो एब्सिस आ गया तो फिर डायग्नोसिस सोरायसिस हो जाएगा। तो पैराकेराटोसिस होगा, इनरेगुलर सोरेसिफॉर्म हाइपरप्लेजिया होगा और डेंस पेरीवैस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। तो पैरासोरेसिस की बेसिक तो चेंज यही है कि डेंस पेरीवैस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, लेकिन इसके अलावा देयर विल बी इनरेगुलर सोरेसिफॉर्म हाइपरप्लेजिया एंड पैराकेराटोसिस। तो ये तीन चीजें जब मिलेंगी तो फिर डायग्नोसिस पैरासोरेसिस होगा। अगर इसमें सोरेसिस की चेंजेस आ गई लाइक मनरो एब्सिसेस, कोगोज पस्टूल, तो ये सोरेसिस बन जाएगा। अगर इसके अंदर एपिडर्मोट्रोपिज्म शुरू हो गया और लिम्फोसाइट्स एटिपिकल एपिडर्मस में जाने शुरू हो गए तो ये सीटीसीएल बन जाए। लेकिन ये जो नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैं जिसको जो अभी इसमें नजर आ रही हैं वो हम पैरासोरेसिस के जुमरे में लिखते हैं। इसको बाज डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट इन चेंजेस को सोरेसिफॉर्म डर्मेटाइटिस करके भी निकालते हैं कि इसमें सोरेसिस की भी चेंजेस हैं और डर्मेटाइटिस की भी चेंजेस हैं। लेकिन याद रखिए कि सोरेसिफॉर्म डर्मेटाइटिस का मतलब सोरेसिस कतन नहीं, सोरेसिफॉर्म उस हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस को हम कह रहे हैं कि जिस तरह ये डीप रेटी रेजेस इस कंडीशन में। अच्छा, पैरासोरेसिस इज नॉट अ कैंसर, सो हमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री सिर्फ इसलिए कराई गई है ये बताने के लिए कि प्रीडोमिनेंट जो लिम्फोसाइट्स हैं वो CD4 पॉजिटिव हैं, बट इट कैरीज नो सिग्निफिकेंस एट ऑल। एरिथेमा एनुलर सेंट्रीफ्यूग एक कॉमन डिसऑर्डर, बहुत सी डिफरेंट इटियोलॉजीज, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द इटियोलॉजीज, वो हमें जब हम रुक से पढ़ेंगे उसको फिर इटियोलॉजीज डिस्कस करेंगे। कैरेक्टराइज बाय एनुलर लेशंस विद रेज बॉर्डर एंड माइल्ड स्केलिंग, चेस्ट ब्रेस्ट एब्डोमेन आर्म, हिस्टोलॉजी बहुत टिपिकल है। इस पैटर्न को कोट स्लीव पैटर्न कहते हैं, जैसे जैसे आपको ये नजर आ रही है लंबी लंबी सी स्लीव के तरह के इन्फिल्ट्रेट, स्लीव की तरह का इन्फिल्ट्रेट पेरीवैस्कुलर सराउंडिंग द ब्लड वेसल। और द इन्फिल्ट्रेट मेनली कंप्राइजेस ऑफ मैच्योर लिम्फोसाइट। एरिथीमा गायरेटम रेपन्स एक और एनुलर एरिथीमा जो डिफरेंट मेलिग्नेंसीज के साथ रिलेटेड, इसमें देयर आर सेवरल एनुलर रिंग्स, एक के अंदर एक एनुलर रिंग बनता है विद माइल्ड स्केलिंग। अगेन द हिस्टोलॉजी इज क्वाइट टिपिकल एंड कंसिस्टेंट विद एरिथीमा एनुलर, दैट इज अ कोट स्लीव पैटर्न ऑफ लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स ओनली। एरिथीमा क्रॉनिकम माइग्रेंस, एरिथीमा क्रॉनिकम माइग्रेंस आपको मालूम है कि लाइम्स डिजीज का फीचर है और उसमें देर इज एन एनुलर एरिथीमा और यूजली इस एरिथीमा के दरमियान में कहीं पे एक पंक्टम मिलता है विच इज यूजली द साइट, चाहे जिसकी बात हो रही है, यूजली अ साइट ऑफ टिक बाइट, तो उसके साथ आपको एक एनुलर सा एरिथीमा मिलेगा। अच्छा, एरिथीमा एनुलर सेंट्रीफ्यूगम में फॉर एरिथीमा क्रॉनिकम माइग्रेंस में देर इज अ पेरीवैस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट बोथ सुपरफिशियल एंड डीप, और इसके अलावा इंसेक्ट बाइट रिएक्शन की तरह से इसमें इओसिनोफिल्स भी मिलेंगे। अभी इस व्यू में इओसिनोफिल कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर लिम्फोसाइट्स के अलावा इओसिनोफिल्स भी मिलेंगे। एक और चेंज जो इसमें डिस्क्राइब है एरिथीमा क्रॉनिकम माइग्रेंस में वो माइल्ड स्पॉन्जियोसिस और लिम्फोसिटिक एक्सोसाइटोसिस है, माइल्ड स्पॉन्जियोसिस एंड लिम्फोसिटिक एक्सोसाइटोसिस। Just a minute. Acrodermatitis chronica, chronic atrophicans, ये Lyme disease की chronic condition, जिसमें skin के ऊपर वायलेशियस सी डिसकलरेशन हो जाती है अलोंग विद एट्रोफिक चेंज।
पेरिवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेट तो इसके अंदर होता ही है. एपिडर्मस इज थिंड आउट क्योंकि एट्रोफी है. और समटाइम्स इन्फिल्ट्रेट एज्यूम्स अ लैकिनॉइड अरेंजमेंट बट इंटरफेस चेंज इज नॉट डिस्क्राइब्ड. द कोलेजन बंडल्स आर थिक. ये जो एक्रोडर्मेटाइटिस क्रॉनिका एट्रोफिकन्स है ये मॉर्फिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है. तो जाहिर है इसमें स्किन एट्रोफिक और थिकेंड होती है तो कोलेजन बंडल्स भी इसके अंदर थिक हो जाते हैं. ये आपको प्लाज्मा सेल्स नजर आ रहे हैं लिम्फोसाइट्स के साथ. तो देयर आर फ्यू क्लूज टू द डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक क्यूटेनियस बोरेलियोसिस. सर एक मिनट, ये लिम्फोसाइट्स के साथ जो प्लाज्मा सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लिम्फोसाइट का कोई न्यूक्लियर, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता. लिम्फोसाइट सिर्फ न्यूक्लिया ही न्यूक्लियस नजर आता है, डार्क ब्लू न्यूक्लियस. जो प्लाज्मा सेल है उनका जो न्यूक्लियस है वो आमतौर पर लिम्फोसाइट के बराबर का साइज का होता है, लेकिन उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उस साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस है वो एक्सेंट्रिकली पड़ा होता है, एक कोने में लगा हुआ होता है. और एक कोने में ना साइटोप्लाज्म होता है और एक कोने में न्यूक्लियस होता है. तो ये पहचान है प्लाज्मा सेल की. अगर इस तरह का एक इस तरह का सेल, अगरचे ये भी प्लाज्मा सेल है लेकिन इसकी शेप मास्क सेल से बहुत मिलती जुलती, इस तरह का एक सेल है विद पिंक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेंटर में पड़ा हुआ है तो ये मास्क सेल कहलाता है और इसकी अपीयरेंस फ्राइड एग अपीयरेंस होती है. तो यहाँ पे लगे हाथों, अगरचे ये मास्क सेल नहीं है, यह है प्लाज्मा सेल लेकिन इसका कोई शक्ल ऐसी है कि इसका एक कोने में न्यूक्लियस नहीं है, सेंटर में आया हुआ है, लेकिन इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है मास सेल की, ऐसे नजर आती है. तो प्लाज्मा सेल्स ये जो है उसमें एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस है, एक साइड पे न्यूक्लियस है और एक साइड पे साइटोप्लाज्म है. और गौर से देखेंगे तो इसमें स्पोक व्हील अरेंजमेंट होती है क्रोमेटिन प्लाज्मा सेल, ठीक है. और ये जो सेल नजर आ रहे हैं बड़े बड़े लार्ज वेसिकुलर न्यूक्लियस के, ये मैक्रोफेज हिस्टोसाइट्स है मैक्रोफेज. तो क्लू है फॉर द क्यू क्लूज इन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ क्यूटेनियस क्रॉनिक बोरेलियोसिस. नंबर एक, लैकिनॉइड अरेंजमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेट इन अपर डर्मस. ये मैंने आपको ये एक फीचर बताया कि ये इन्फिल्ट्रेट यहाँ पे एपिडर्मस में इस तरह का इन्फिल्ट्रेट है जैसे कि लैकिनॉइड बैंड लाइक, लेकिन इस बैंड लाइक इन्फिल्ट्रेट के अलावा कोई इंटरफेस चेंज नहीं. एपिडर्मस की एट्रोफी है, इंटरफेस चेंज नहीं है, लैकिनॉइड इन्फिल्ट्रेट है और पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेट, मतलब दो टाइप के इन्फिल्ट्रेट है, लैकिनॉइड एंड पेरीवेस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट. तो लैकिनॉइड अरेंजमेंट है इन्फिल्ट्रेट की, देयर इज एपिडर्मल एट्रोफी एंड थिक कोलेजन बंडल. नेवर्थलेस डायग्नोसिस इज कंफर्म बाय आइडेंटिफाइंग स्पायरोपीड्स with silver stain or by PCR. Then chronic insect bite reaction. Usually these kind of reactions are characterized by both superficial and deep perivascular lymphocytic infiltrate. Lekin iske alawa there is predominance of eosinophils as well. Aapko insect bite reaction mein eosinophils milenge. Ab ye eosinophils dekhen. ये इयोसिनोफिल्स जो है ना, इसके इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा पिंकिश है और इसके जो न्यूक्लिया न्यूक्लियस है उसके दो न्यूक्लियोलाई हैं जो बायलोक न्यूक्लियोलाई, ऐसे लगता है कि जैसे कि स्पेक्टिकल लगाया हुआ है, स्पेक्टिकल्स एनक वाले सेल, दो एनक वाले सेल. तो ये जो एनक वाले सेल्स हैं विद पिंक साइटोप्लाज्म ये इयोसिनोफिल्स. तो इंसेक्ट बाइट रिएक्शन में पेरिवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेट के अलावा जो नई चीज आई वो प्रेजेंस ऑफ इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट. नाउ जेसनस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट यूजली कैरेक्टराइज बाय मल्टीपल डिस्कॉइड प्लाक्स ऑन विद अ टेंडेंसी टू परसिस्ट एंड रिलैप्स. ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगा ग्रैनुलोमा फेशियल, ट्यूमर लुपस एरिथेमेटोसस,
स्यूडो लिम्फोमा, इंसेक्ट बाइट रिएक्शन, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन. तो ये एरिथेमेटस पेप्यूल्स ऑन द फेस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जेस्नस लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट आएगा. हिस्टोलॉजिकली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी पेरीवैस्कुलर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट इन द मिड और अपर डर्मस, डेंस इन्फिल्ट्रेट, जैसे कि स्यूडो लिम्फोमा भी ऐसे इन्फिल्ट्रेट होता है, अच्छा इन्फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर पेरीवैस्कुलर. अगेन इम्यूनोस्टोकेमिस्ट्री की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है. अगर हम इम्यूनोस्टोकेमिस्ट्री करेंगे तो हमें बी और टी दोनों सेल्स मिलेंगे, क्योंकि पॉलीक्लोनल सेल्स जो है ना वो इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस जाहिर करते हैं. अगर ए क्लोन के सेल होंगे तो फिर हमें कैंसर सोचना पड़ेगा. रेटिकुलर एरिथेमेटस म्यूसिनोसिस, ये डिसऑर्डर्स म्यूसिनोसिस या म्यूसिनस डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें म्यूसिन डिपोजिशन तो डर्मिस के अंदर होती ही है, लेकिन इसके अलावा इस जगह पे इसका इंक्लूजन इसलिए किया गया है कि इसकी एक और मेजर चेंज पेरीवैस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट. दिस इज अ रेयर डिसऑर्डर अकरिंग इन यंग फीमेल ओवर द चेस्ट एंड अपर बैक, विच इज कैरेक्टराइज बाय रेटिकुलेट परसिस्टेंट मैक्यूलर इन्फिल्ट्रेटेड प्लाक्स विद बर्निंग और इचिंग. तो इसकी जो अपीयरेंस है वो रेटिकुलेट अपीयरेंस है. पेरीवैस्कुलर के अलावा पेरीफॉलिकुलर इन्फिल्ट्रेट भी पाया जाता है रेटिकुलर एरिथेमेटस म्यूसिनोसिस में. और जो इम्पोर्टेंट सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर है इन एडिशन टू पेरीवैस्कुलर एंड पेरीफॉलिकुलर इन्फिल्ट्रेट, वो म्यूसिन की मौजूदगी है बिटवीन द कोलेजन फाइबर्स. और म्यूसिन को हाईलाइट करने के लिए हम एल्शिन ब्लू कराते हैं. Now, another common disorders which is polymorphic light eruption. Polymorphic light eruption is characterized by erythematous papule, vesicles and plaques in sun-exposed area. ये सारे के सारे lesions एक साथ एक वक्त में भी मौजूद हो सकते हैं और different occasions पे different किस्म के lesions भी आ सकते हैं. मतलब polymorphism can be at one time and frame and it can be at different phases में different पॉलीमॉर्फिक शक्ल इख्तियार कर सकती है ये डिजीज. इसमें जो मेन चेंज है वो एक डेंस अपर डर्मल एडिमा है. ये जो आपको वाइट वाइट एरिया नजर आ रहा है ये वाटर है जिसने कोलेजन बंडल्स को डिसरप्ट कर दिया और सारा का सारा डर्मस उसके नीचे चला गया. और इस इन्फिल्ट्रेट इस डर्मल एडिमा के नीचे देयर इज पेरीवैस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट. Humid lupus erythematosus. Humid LE is characterized by erythematous plaque but no follicular plugging. ये DLE का pattern नहीं है, ये different pattern है. इसमें ना persistent chronic not responding to usual treatment किस्म के plaques होते हैं. किसने खोला हुआ है? ह्यूमिड एली के अंदर इंटरफेस डर्मेटाइटिस का होना लाजमी नहीं और इसी वजह से ये डिसऑर्डर कंफ्यूज करता है हिस्टोलॉजिकली. अगर तो इंटरफेस चेंज मिल जाती है तो डायग्नोसिस आसान हो जाता है, लेकिन अगर इंटरफेस चेंज नहीं मिलती तब भी हम ह्यूमिड एली डायग्नोज कर सकते हैं. ह्यूमिड एली के दो फीचर्स, एक तो पेरीवैस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट और दूसरा जो है फीचर वो है प्रेजेंस ऑफ म्यूसिन विद इन द कोलेजन बंडल. और जो म्यूसिन है वो एल्शिन ब्लू पॉजिटिव होता है. सो द मेन क्लू इन द डायग्नोसिस आर एक्सटेंशन ऑफ इन्फिल्ट्रेट टू द सबक्यूटस एंड इंटरस्टिशियल डिपॉजिट ऑफ म्यूसिन. लेकिन ये वाले जो चेंजेस हैं ह्यूमिड एली की, ये रेटिकुलेट एरिथेमेटस म्यूसिनोसिस में भी हो सकती है, लेकिन ऑफकोर्स क्लिनिकल जो हिस्ट्री है वो दोनों में बहुत डिफरेंट होगी. एरिथेमेटस रेटिकुलर एरिथेमेटस म्यूसिनोसिस फीमेल में चेस्ट के ऊपर रेटिकुलर रेटिकुलेट
एरिथीमेटस पैटर्न बनाएगा, जबकि ट्यूमर एली जो है वो क्रॉनिक परसिस्टेंट प्लाक की शक्ल में जाहिर होगा। अमाउंट ऑफ म्यूसिन कैन बी वेरिएबल, दोनों में ज्यादा और कम हो सकती है। तो पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट, हाँ, जो इंटरफेस चेंज अगर होगी तो वो ट्यूमर एली में होगी, वो और किसी कंडीशन में नहीं होगी। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में भी हम ट्यूमर एली डायग्नोज कर सकते हैं। तो दो फीचर्स, दो डिसऑर्डर्स के दो फीचर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। नंबर वन रेटिकुलर एरिथेमेटस म्यूसिनोसिस, नंबर टू ट्यूमर एली। लेकिन क्लिनिकल फीचर्स इन दोनों के एक दूसरे से बहुत डिफरेंट। अब इन्फ्लेमेटरी मॉर्फिया को ले लें। इन्फ्लेमेटरी मॉर्फिया, मॉर्फिया की वो स्टेज है कि जब आपको एट्रोफी नजर नहीं आती और स्किन के ऊपर सिर्फ डस्की एरिथीमा आता है। देयर आर पैचेस ऑफ डस्की एरिथीमा, और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब डर्मल स्क्लेरोसिस होती है तो वही जगह अंदर की तरफ बैठ जाती है। तो जब ये अर्ली इन्फ्लेमेटरी फेज होगी तो चेंज वुड बी सुपरफिशियल एंड डीप पेरीवेस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। एक और फीचर जो इसका बताया है अर्ली इन्फ्लेमेटरी मॉर्फिया का, वो ये है कि ये जो कोलेजन बंडल्स के दरमियान आपको अलग अलग से लिम्फोसाइट पड़े हुए मिलेंगे, इसको ये एक क्लू बताया गया है, लेकिन इसको पकड़ना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि इस स्टेज पे मॉर्फिया को डायग्नोज करना रिलेटिवली बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अंटिल क्लिनिकल क्लू भी मॉर्फिया का हो और आपने क्लिनिशियन ने डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट को ये क्लू दिया हो कि ये मॉर्फिया सस्पेक्ट कर रहे हैं। देन चिलब्लेंस और परनियोसिस, एक बहुत कॉमन कंडीशन जो हम विंटर्स में देखते हैं, कैरेक्टराइज बाय एरिथीमेटस पेप्यूल्स नोड्यूल्स अल्सरेशंस ऑन एक्सपोज्ड एरिया। परनियोसिस के अंदर अगेन एक ऐसी चेंज है कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन में भी देखी है, और वो है अपर डर्मल एडीमा। तो अपर डर्मल एडीमा विद डेंस पेरीवेस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। अब ये वाली जो चेंज है, ये दो बीमारियां और आ गई कि जिनके अंदर एक जैसी चेंज आ गई, एक पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन और दूसरी परनियोसिस। लेकिन अगेन आप सब लोगों को इसका अंदाजा होगा कि ये दोनों डिसऑर्डर्स क्लिनिकली पोल से पार्ट है। परनियोसिस और पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन को क्लिनिकली आप एक दूसरे में मिक्स कर ही नहीं सकते। तो जब क्लिनिकल आपने हमें परनियोसिस के डिफरेंशियल के लिए स्लाइड भेजेंगे तो परनियोसिस का डायग्नोसिस आएगा, अगर पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन के लिए भेजेंगे तो उसका ही डायग्नोसिस आएगा। लेकिन हिस्टोलॉजी दोनों की मिलती जुलती है, पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेट के साथ डर्मल एडीमा। लेकिन एक और फीचर जो इसमें परनियोसिस में डाला गया है वो आरबीसी एक्स्ट्रावासेशन का है। रेड ब्लड सेल्स वेसल से बाहर आके डर्मिस में आ जाते हैं, और आरबीसी एक्स्ट्रावासेशन परनियोसिस के अलावा और कंडीशन में भी आएंगे जो ज्यादा टिपिकल होंगी, वो भी आगे चलेंगे। दोबारा बोलें, सवाल दोहराएं। क्लिनिकल हिस्ट्री में परनियोसिस और जो है पीएलई से दोनों की सेम नहीं होगी? कैसे यार, बताओ मुझे। सर दोनों एक्सपोज पार्ट के ऊपर अगर वो प्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों एक्यूट फॉर्म में आ रहे हैं। पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन कहां पे होती है और परनियोसिस कहां पे होता है? फेस पे। परनियोसिस अभी आपने क्या, परनियोसिस आपने दैट एक्सपोज पार्ट पे, एकल पार्ट पे। और क्या एकल पार्ट पे पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन होती है? नो सर, फेस पे। फेस पे सर। जब साइट ही नहीं है तो फिर कैसे कंफ्यूजन हो सकती है? जब साइट ही एक ऐसी नहीं है तो फिर तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं पैदा होता ना बेटा। चिलब्लेन लूपस सिस्टेमेटोसिस, फीचर्स वही हैं जो चिलब्लेन्स के, जो परनियोसिस के। शैम्बर्ग डिजीज, अब हम पिगमेंटेड पर्पुरिक डर्मेटोसिस कर रहे हैं। पिगमेंटेड पर्पुरिक डर्मेटोसिस जितनी वैरायटी के, तमाम के अंदर जो मेन हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है वो पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेट। लेकिन नाउ द इन्फिल्ट्रेट इज क्वाइट सुपरफिशियल,
वो डीप नहीं है ये इन्फिल्ट्रेट। और दूसरा फीचर जो Schembug डिजीज का कॉमन है और जो जिसकी वजह से मेन बीमारी होती है, जो आपको साइन पेपर अपीयरेंस या पिगमेंटेड ड्रॉप जो नजर आते हैं, वो रेड ब्लड सेल एक्स्ट्रावासेशन की वजह से होती है। मतलब जो पिगमेंटेड पर्पुरिक डर्मेटोसिस के अंदर पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेट सुपरफिशियल है अलॉन्ग विद आरबीसी एक्स्ट्रावासेशन है। Extravasated erythrocytes are found in eruptive lesions of many perivascular dermatitis, but when present together with purely lymphocytic infiltrate devoid of epidermal change or edema of papilledermis, these are clue to the diagnosis of Schembug disease. ये तो उसका आपको ये बताया है dermal edema को exclude करने का, वो इसीलिए बताया है कि इसको आप इस आरबीसी एक्स्ट्रावासेशन को आप चिलब्लिन से डिफरेंशिएट करें। चिलब्लिन के अंदर डर्मल एडिमा था, पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेट था और आरबीसी एक्स्ट्रावासेशन। Schembug डिजीज में पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेट सुपरफिशियल है और आरबीसी एक्स्ट्रावासेशन। देर इज नो डर्मल एडिमा एंड नो डीप डर्मल पेरीवैस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। अच्छा, चूंकि आरबीसी एक्स्ट्रावासेशन होती है तो आरबीसी जब आया, जब थोड़ी देर गुजरती है तो फिर उनके अंदर कलर चेंजेस आने लगती हैं और वो हीमोसिड्रिन रह जाती है, और हीमोसिड्रिन पिगमेंट को हाईलाइट करने के लिए हम प्रूशन ब्लू स्टेन कराते हैं, पर्ल प्रूशन या पर्ल स्टेन या पर्ल प्रूशन ब्लू स्टेन। तो उसमें ब्लू रंग की स्टेन होती है हीमोसिड्रिन। लाइकन ऑरियस Schembug डिजीज की एक फॉर्म है कि जिसके अंदर लेजन्स पैचेस के बजाय प्लाक्स की फॉर्म में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब प्लाक्स आएंगे तो हिस्टोलॉजी में भी वही चेंज आएगी, थोरैसिफॉर्म हाइपरप्लेजिया। इसके अलावा बाकी चेंजेस वही होंगे, देयर विल बी अ थोरैसिफॉर्म हाइपरप्लेजिया एंड इन एडिशन टू दैट देयर विल बी डेंस बैंड लाइक लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, जिसके लिए लाइकन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इंटरफेस डर्मेटाइटिस नहीं है। बैंड लाइक इन्फिल्ट्रेट तो है लेकिन इंटरफेस डर्मेटाइटिस मेन चेंज इसके अंदर पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेट और जो प्लाक की फॉर्म में थोरैसिफॉर्म हाइपरप्लेजिया विद आरबीसी एक्स्ट्रावासेशन ऑफ कोर्स। पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, और जो पुराना नाम था प्रूरिटिक एरिथेमेटस पेप्यूल्स एंड प्लाक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यूजली प्राइमरी ग्रेविडा और लास्ट ट्राइमेस्टर। पॉलीमॉर्फिक लीजन्स होते हैं, अर्टिकेरियल भी होते हैं, पेपुलर भी होते हैं, वेजिकुलर और बुलस लीजन्स भी बन सकते हैं। इसके अंदर अगेन देयर इज डेंस पेरीवैस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। लेकिन अगर आपको याद होगा कि मैंने जब करवा रहा था स्पॉन्जियोसिस डिसऑर्डर, उसमें मैंने जो इओसिनोफिलिक स्पॉन्जियोसिस में पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी का जिक्र किया, इसका भी जिक्र किया था, और मैंने प्री बुलस स्टेज ऑफ पेम्फिगोइड का भी जिक्र किया। इन दोनों कंडीशंस के अंदर देयर इज स्पॉन्जियोसिस एंड इओसिनोफिलिक एक्सोसाइटोसिस। एपिडर्मिस के अंदर इओसिनोफिल घुस रहे होते हैं, और इसके अलावा डर्मिस के अंदर जो पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेट होगा उसके अंदर लिम्फोसाइट्स के अलावा इओसिनोफिल्स भी प्रोमिनेंट तादाद में पाए जाएंगे। तो पॉलीमॉर्फिक लाइव इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी या पप के अंदर पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेट है विच हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स, और इसके अलावा सुपरफिशियली स्पॉन्जियोसिस है और इओसिनोफिलिक एक्सोसाइटोसिस। प्रूरिक प्रेगनेंसी प्रूराइगो में भी यही चेंजेस आएंगी, एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया स्पॉन्जियोसिस और पेरीवैस्कुलर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट विद इओसिनोफिल्स। अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस अगरचे नाम में तो वैस्कुलाइटिस है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे वैस्कुलिटिक एलिमेंट हिस्टोलॉजिकली नहीं, मतलब वेसल वॉल इंजरी नहीं है। जो मेन चेंज इज डेंस पेरीवैस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट विद predominant population of eosinophils.
no evidence of vessel wall damage. अच्छा अगर तो lesion arterial vasculitis में purpuric lesion है तब उसके अंदर vasculitic changes आ सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ arterial lesion है तो उसमें purpuric changes या vessel wall damage नहीं आएगी. Then secondary syphilis के ऊपर मैं अनकरीब आप लोगों का एक lecture लेने वाला हूँ. ये secondary syphilis की एक psoriasiform form है palmar surfaces, और इस changes को देख के दो histological features तो बिल्कुल सामने हो गए, एक तो parakeratosis और दूसरा psoriasiform hyperplasia. ये तो फीचर होने ही होने हैं सेकेंडरी सिफिलिस के केसेस में. जो तीसरा फीचर जो डायग्नोस्टिक है वो पेरीवैस्कुलर प्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट, और चौथा फीचर है वेसल वॉल की नैरोइंग, वेसल वॉल ब्लॉक हो रही, और उनके गिर जो इन्फिल्ट्रेट है वो लिम्फोसिटिक भी है हिस्टोसिटिक भी है, लेकिन जो प्राइमरी सेल है ना वो प्लाज्मा सेल, यही एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस वाले प्रीडोमिनेंट प्लाज्मा सेल्स. तो हमने ना वो डिसऑर्डर्स इस एक साथ कवर कर लिए जिनके अंदर प्राइमरी जो पैथोलॉजी है वो पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेट. और ये डिसऑर्डर्स कवर करने से पहले मैंने आपको कुछ सवाल कहे थे जिनके जवाब अब हमने यहाँ पे देने. अभी हमने क्योंकि वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स इन विच The primary pathology is perivascular infiltrate, और उस pathology को लेते हुए हर disorder में चंद एक different चीजें थी जो बाकियों से अलग थी. For example, dermal edema हमने देखा Chilblains के अंदर, और हमने देखा और किसमें देखा? Dermal edema Chilblains के अलावा? Polymorphic light eruption. हमने mucinous infiltrate किन किन condition में देखा? हमने स्पॉन्जियोसिस किन कंडीशंस में देखा? चिल्ब्लेंस में और पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन में हमने देखा. हमने लाइकेनोइड इन्फिल्ट्रेट किस कंडीशन में देखा विदाउट इंटरफेस चेंज? लाइकेनोरियस में हमने कोलेजन बंडल की थिकनिंग किन कंडीशन में देखी अलोंग विद पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेट? मॉर्फिया अर्ली इन्फ्लेमेटरी स्टेज और क्रॉनिक बोरेलियोसिस एट्रोफोडर्मा एट्रोफिक एक्रोडर्मेटाइटिस. अच्छा जी, पहला सवाल जो आपने पूछना था वो ये था कि इज द इन्फिल्ट्रेट लिम्फोसिटिक ओनली, द प्रेजेंस ऑफ अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स नो मैटर हाउ फ्यू मे बी अ क्लू टू रिजॉल्विंग मेनी ऑफ दीज केसेस. इओसिनोफिल्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट बाइट्स and arterial vasculitis, extravasation of erythrocytes seen in Schemberg's disease and perniosis or Schemberg's disease. Plasma cell may be present in secondary syphilis and erythema migrans and acrodermatitis chronica atrophicans. लेकिन ये जो दोनों डिसऑर्डर्स है ना जो बोरेलिया से रिलेटेड हैं, इसमें प्लाज्मा सेल्स बहुत स्कैंटी हैं, लेकिन सेकेंडरी सिफिलिस का मेन इन्फिल्ट्रेट प्लाज्मा मेन सेल जो है ना वो प्लाज्मा सेल. तो लिम्फोसाइट्स के अलावा जो डिफरेंट सेल्स हुए उन्होंने क्लू दे दिया डायग्नोसिस का कि ये कंडीशन हो सकते. हमें भी दे दे. अच्छा नाउ सेकंड क्वेश्चन, इज द इन्फिल्ट्रेट पेरीवैस्कुलर ओनली, द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स बिटवीन द कोलेजन बंडल्स इज अ हिंट टू मॉर्फिया, फ्यू एरिथ्रोसाइट्स और हीमोसिड्रिन स्प्रेड बिटवीन द कोलेजन मे इंडिकेट शैम्बर्ग डिजीज,
some eosinophils or neutrophils may be a hint to urticaria. इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इनफिल्ट्रेट पेरी वेस्कुलर के अलावा पेरी एडनेक्सल हो रहा है तो फिर हमें एस एल ई डी एल ई इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा. तो वो मैंने उनकी स्लाइड्स इंक्लूड नहीं की, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पेरी वेस्कुलर के अलावा अगर इनफिल्ट्रेट पेरी एडनेक्सल हो रहा है तो हमें फिर पेरी एडनेक्सल इनफिल्ट्रेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा. लेकिन चूंकि ये लेक्चर और ये डिजीजेस प्राइमरली वो थी कि जिनके अंदर मेन जो हिस्टोलॉजी है वो पेरी वेस्कुलर इन्फिल्ट्रेट की है, तो वो चीजें मैंने ओमिट कर. अच्छा, और सवाल, इज आर एटिपिकल लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन द इन्फिल्ट्रेट. ये कल के लेक्चर में था कि टी सेल और बी सेल लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, लिम्फोमा जो होते हैं, उनके अंदर देर इज डेंस लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट इन द डर्मस. लेकिन इस वक्त जो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट होता है उसमें एबनॉर्मल शेप्स के हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई और लिम्फोसाइट्स होते हैं. तो एटिपिकल अगर लिम्फोसाइट्स हैं तो फिर तो कंडीशन लिम्फोमास की तरफ चली जाएगी. आर देयर एनी सटल चेंजेस इन एपिडर्मस. ये हमने डिस्कस कर लिया कि इरिथीमा माइग्रेंस में, एक्रोडर्मेटाइटिस में या पप में देयर इज स्पॉन्जियोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. आर देयर एनी चेंजेस? हाँ बोले. अभी आपको स्क्रीन पे आ रही है कुछ स्लाइड? यस सर. ओके. Yes, तो मैंने जबानी बता दिया. आर एटिपिकल लिम्फोसाइट प्रेजेंट? आर देयर एनी सटल चेंजेस इन एपिडर्मल? आर देयर एनी चेंजेस इन कनेक्टिव टिश्यू? ये भी मैंने बता दिया. सब एपिडर्मल एडिमा इज सीन इन पीएलई एंड परनियोसिस. मॉडरेट डिपोजिशन ऑफ म्यूसिन इन इंटरस्टीशियम इज सीन बोथ इन ट्यूमर डेली एंड रेटिकुलेट एरिथेमेटस म्यूसिनोसिस. स्लाइट थिकनिंग ऑफ कोलेजन बंडल्स आर सीन इन मॉर्फिया एंड एक्रोडर्मेटाइटिस क्रॉनिका क्रॉनिक एट्रोपिकंस. Information about the clinical finding is great importance in the case when there is no other clue to a confirmed diagnosis. What special stains or additional investigations would assist in the diagnosis? PA stain karayenge agar hume dermatophytosis suspect kar rahe hain. Alcian blue stain karayenge for mucin. Pearl stain karayenge agar aapko RBC ke upar shak hai ya पिगमेंट नजर आ रही है और ये आपको कंफ्यूजन है कि ये पिगमेंट मेलानिन है या ये पिगमेंट हीमोसिड्रिन है. इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी अगर एटिपिकल लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं. पीसीआर हमें करना पड़ेगा अगर हमें बोरेलियोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं. और अगेन लिम्फोमास के लिए हमें टीसीआर रिसेप्टर जीन रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन. और फॉर एग्जाम्पल अगर प्लाज्मा सेल्स हैं तो हमें वीडीआर या टीपीएचए करना पड़ेगा. Rule out secondary. So in conclusion, I would say the frustration posed to a dermatopathologist in evaluating a perivascular lymphocytic dermatitis without epidermal involvement can be relieved considerably when attention is paid to the subtle alteration in epidermis and the dermis. Correlation with clinical information is essential, and a step-wise procedure answering successfully the 7 questions would help in making a specific diagnosis. That's all for today. आप इसके बारे में कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ. आज का मेरे ख्याल इतना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी tricky conditions थी जो आपस में मिल. So what is meant by pseudo lymphomas? देखो, generally pseudo lymphoma जो है ना वो present करते हैं as erythematous nodules and plaques. बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि B cell lymphoma होगा या tumor form of ये होगा CTCL. MF. लेकिन जब हम उसकी histology करेंगे तो उसकी histology में
there will be an equal amount of B and T cells. Usually ऐसे होता है कि B cells center में आते हैं और periphery जो follicles के हैं ना वो T cells के होते हैं. तो तकरीबन equal population हो. तो क्योंकि एक बात understood है कि अगर तो B cell lymphoma होगा तो जितने lymphocytes होंगे वो सारे B cell के होंगे unique एक ही clone के. अगर T cell होगा तो सारे lymphocytes T cell के होंगे. तो इसलिए जब पॉलीक्लोनलिटी होती है, जब टी और बी सेल आते हैं तो फिर हम उसको सूडो लिम्फोमा कहते हैं. और जनरली सूडो लिम्फोमास आर इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस, कॉजेस इंसेक्ट बाइट रिएक्शन या कोई भी क्रॉनिक इरिटेंसी कैन कॉज अ सूडो लिम्फोमा. सर वो कंफर्मेशन सूडो लिम्फोमा की वही जो टी सेल के लिए हम CD3 करेंगे और CD24 बी सेल करेंगे तो वो हमें कंफर्म होता है. कंफर्म बिल्कुल मतलब जो पहला इन्वेस्टिगेट पहला इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री स्टेन आप ऑर्डर करेंगे वो CD3 और 20 ही है. अगर दोनों आ गए बराबर की मिकदार में तो फिर हमें मजीद कोई स्टेन करने की जरूरत नहीं. सर बट वी डिवाइड देम इनटू द बी एंड टी सूडो लिम्फोमास. ना ना ऐसे कुछ नहीं होगा. बी और टी सूडो लिम्फोमास नहीं होगा. सूडो लिम्फोमा में दोनों होंगे कोई. और सूडो लिम्फोमा इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस ट्यूमर नहीं है इसीलिए सूडो. एनी अदर क्वेश्चन? नो सर थैंक यू. ओके थैंक यू सो मच. वी आर एंडिंग अब इंशाल्लाह. अगली फ्राइडे को मुलाकात होगी और दरमियान में ईद मनाइए और एंजॉय योर टाइम. Okay, thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.